दोस्तों हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम आपको मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना सिखाऊंगा। गुणे का साइन होता है ये। जैसा कि अगर आप गुणा करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ये टेबल यानी पहाड़ा याद करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना टेबल के हम मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा नहीं कर सकते हैं। तो आपके सामने मैंने ये टेबल लिख रखी है। अगर आप एक से लेकर दस तक की टेबल याद कर लेंगे तो आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं। इसलिए अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 1 में कोई भी चेंजिंग नहीं है। हम 1 को जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही आएगा। अगर हम 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 ही आएगा, 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा। और 2 की टेबल है 2, 2 जा 4, 2, 3 जा 6, 2, 4 जा 8, 2, 5 जा 10, 2, 6 जा 12, 2, 7 जा 14, 2, 8 जा 16, 2, 9 जा 18, 2, 10 जा 20। इस तरह से हम इस टेबल को पढ़ेंगे। 3, 2 जा 6, 3, 3 जा 9, 3, 4 जा 12, 3, 5 जा 15, 3, 6 जा 18, 3, 7 जा 21 और 3, 8 जा 24, 3, 9 जा 27, 3, 10 जा 30। इस तरह से ये टेबल पढ़नी है आपको, उसके बाद में ही आप मल्टीप्लिकेशन करना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई बाय वन डिजिट से मल्टीप्लाई के लिए कुछ एग्जांपल्स नोट कर रखे हैं, उनको हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहले अगर आपको 1 से मल्टीप्लाई करनी है 5 में, तो 1 की टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। अगर हम 1 की टेबल 5 में पढ़ेंगे तो 5 ही आएगा, 1, 5 जा 5। अगर मैं 1 की टेबल 8 में पढ़ूंगा तो 8 ही आएगा। अगर मैं 1 की टेबल 9 में पढ़ूंगा, 1, 9 जा 9, तो 9 ही आएगा। यानी 1 की टेबल किसी संख्या में पढ़ने पर उतना ही आता है। अगर मैं 1 की टेबल 50 में पढ़ूंगा तो 50 आएगा। 1 की टेबल अगर मैं 20 में पढ़ूंगा तो 20 आएगा। नेक्स्ट अब हम 2 की टेबल पढ़ते हैं। 2 की टेबल मुझे अगर 2 बार पढ़ना है तो 2, 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 आएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है 2 और 2 की टेबल मुझे पढ़नी है 1, 2, 2 टाइम, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2, 3 जा 6, 2 की टेबल 3 में पढ़ेंगे 2, 3 जा 6, 2 की टेबल 5 में पढ़ेंगे 2, 5 जा 10। नेक्स्ट 3 की टेबल अगर मुझे 4 में पढ़नी है तो 3, 4 जा 12, 3, 5 जा 15, 3, 9 जा 27, इस तरह से। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स। जैसे कि 5, 4 की टेबल पढ़नी है मुझे 5 में 8, 4 की टेबल पढ़नी है मुझे 8 में। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम्स, 4, 1 जा 4, 4, 2 जा 8, 4, 3 जा 12, 4, 4 जा 16, 4, 5 जा 20, तो इस तरह से यहाँ पे 20 आ जाएगा। फिर 4, 8 जा 32, ये ऐसे ही। नेक्स्ट अगर मुझे 8 में 6 की टेबल पढ़नी है तो 6, 8 जा, यानी 6 की टेबल पढ़ेंगे 8 टाइम, तो 8 टाइम पे आएगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 टाइम पे आएगा 48, तो 6, 8 जा 48, ये आ जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 में अगर मुझे 7 की टेबल पढ़नी है तो 7, 9 जा 63, 7 की टेबल में देखेंगे 9 नंबर पे ये 63। ऐसे ही अगर मुझे 9 की टेबल पढ़नी है, 9 की टेबल अगर मुझे 9 बार पढ़नी है तो 9, 9 जा 81, जैसा कि यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं 9 की टेबल पढ़नी है, इसलिए कितनी बार पढ़नी है, 9 बार पढ़नी है, तो ये रहा 9, 9 जा 81, इस तरह से। अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 1 डिजिट था ये। अब मैं आपको मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट बताऊंगा। मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट, 2 डिजिट की कैसे मल्टीप्लाई करनी है 2 डिजिट।
टू नंबर मल्टीप्लाई बाय टू डिजिट, टू डिजिट की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे 7 3 और मुझे मल्टीप्लाई करनी है टू डिजिट से 1 2। तो सबसे पहले हम 2 की टेबल पढ़ेंगे 3 में, फिर हम 2 की टेबल पढ़ेंगे 7 में। तो पढ़ते हैं 2 3 6 और 2 7 14। अब हम 2 की टेबल पढ़ने के बाद में 1 की टेबल पढ़ेंगे 3 में। नाउ 1 की टेबल इसमें पढ़ेंगे, फिर 1 की टेबल इस 7 में पढ़ेंगे। तो 1 3 और यहाँ पे एक कट लगाएंगे, 1 3 3 1 7 7 ऐसे। अब इसको एड करते हैं, 6 4 3 7 7 1 8। इस तरह से हम 2 डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मुझे 23 की मल्टीप्लाई करनी है 592 में, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो सबसे पहले इस 3 से मुझे मल्टीप्लाई पूरे में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, फिर हमें मल्टीप्लाई करनी है 5 में। तो सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, 3 2 6 3 9 18 27। तो 27 का यहाँ पे मुझे 27 आया है 3 9 तो 7 लिखना पड़ेगा। तो 3 9 27 का 7 और 3 5 15 और ये 2 कैरी 3 5 15 और 2 17। 2 2 4 यहाँ पे कट लगाएंगे, 2 2 अब 2 की मल्टीप्लाई इसमें, पहले इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर 5 में करेंगे। तो 2 2 4 2 9 18 कैरी 1, 2 5 10 1 11। अब इसको एड करेंगे यहाँ पे इस तरह से, 2 6 7 4 11 और 7 8 15 और इसका 1 कैरी 16, फिर 1 1 2 और इसका 1 कैरी 3 और ये 1। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट की। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, फाइव जीरो एट थ्री टू। मुझे यहाँ पे 3 की टेबल पहले इसमें पढ़नी है, फिर 3 की टेबल इसमें पढ़नी है, फिर 3 की टेबल इस 5 में पढ़नी है। तो उसके बाद में फिर 2 की टेबल इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो 3 की टेबल 8 में पढ़ेंगे, तो 3 8 जा 24 का मुझे 4 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और ये जो है ये कैरी हो जाएगा, ये 2 जो है वो कैरी हो जाएगा, ये इसमें प्लस होगा नेक्स्ट में। तो 3 और 0 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 0 की तो 0 ही आता है, तो 0 में जब 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 3 5 15 ये 15 आ जाएगा, यहाँ पे एक कट लगाना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो है, अब 2 की टेबल इसमें पढ़नी है, 2 8 16 और 16 का मैंने 6 यहाँ लिख लिया है, 1 कैरी है जो कि इसमें प्लस हो जाएगा यहाँ पे। 2 0 2 0 0 और 1 1, फिर 2 5 10 फिर इसको प्लस करना है 4 यानी 4, 6 2 8 5 1 6 0 1 1 और ये 1। इस तरह से मुझे 2 डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट, मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट, 3 संख्याओं की गुणा कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट।
जैसे 5, 7, 3, 4, 2, 3, 2 की मुझे मल्टीप्लाई करनी है। तो थ्री डिजिट की मल्टीप्लाई कैसे करनी है, सेम प्रोसेस मुझे सब वही करना है। 2 से पहले इसमें करेंगे, फिर 2 से इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 2 से 7 में करेंगे, फिर 2 से 5 में करेंगे मल्टीप्लाई, ऐसे ही फिर 3 से इसमें करेंगे, 4 में, फिर 3 से 3 में, 3 से 7 में, 3 से 5 में, फिर 2 से 4 में, 2 से 3 में, 2 से 7 में, 2 से 5 में, उसके बाद ऐड करना है मुझे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 कैरी वो इसमें जुड़ेगा, 2 5 जा 10, 1 11, एक कट लगाएंगे यहाँ से लिखेंगे अब, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 जो कि इसमें प्लस होगा, 3 3 जा 9, 1 10, 10 का 0 कैरी 1 इसमें प्लस होगा, 3 7 जा 21 और 1 22 का 2, 22 का 2 आएगा कैरी 2 हो जाएगा जो कि इसमें अब ऐड होगा, 3 5 जा 15 और 2 17 यहाँ पे फिर एक क्रॉस लगेगा, यहाँ पे फिर एक क्रॉस लगेगा। अब यहाँ से डिजिट लिखेंगे तो 2 4 जा 2 की टेबल इस पूरे में फिर पढ़ेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 1 कैरी आया यहाँ पे। अब 2 की टेबल 5 में, 2 5 जा 10, 1 11 ये। अब इसको मुझे प्लस करना है, 8 6 2 8, 4 8 12 का 2, 1 कैरी इसमें प्लस हो जाएगा, तो 1 2 3, 3 और 6 9 और एक कैरी इसका 10, 1 कैरी, फिर 1 7 8 4 12, 1 13 का 3।